नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है मेनका और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने त्वचा के सफाई के बारे में बात करेंगे। दीपावली आने वाला है और हम सब अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपने त्वचा की भी सफाई करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे आप एक प्रोडक्ट को लेके अपनी त्वचा की सफाई कर सकते हैं। कोशिश करिएगा ये कि आप सप्ताह में दो बार करें, बट अगर समय ना मिलने पर कम से कम हमें ये सप्ताह में एक बार करना चाहिए। पहले मैं ग्रीन टी का एक सिप ग्रहण करूंगी और इससे आप सबको समझ में ही आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य इंग्रेडिएंट होगा ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारे अंदरूनी शरीर को ही सफा न करता है, बल्कि हमारी त्वचा को, अगर हम लोग त्वचा के ऊपर अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारी त्वचा में भी काफी निखार लेकर आता है। हम लोग ने आप लोग सब ने एडवर्टाइजमेंट में तो देखा ही होगा कि ग्रीन टी हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है। वही ग्रीन टी हमारे अगर आप अपने त्वचा पे लगाएंगे, खास करके वो लोग जिनकी स्किन काफी ऑयली हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा तेल बाहर निकल आ जाता है, खुद का ही अपने शरीर का ही तेल बाहर आ जाता है, तो उनको बहुत मदद करती है। और भी इसके कई फायदे हैं हमारे त्वचा के लिए। तो बिना ज्यादा विलंब किए और वीडियो के इंट्रोडक्शन को ज्यादा लंबा बनाते हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक और सिप हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है अपना मेकअप रिमूव करना, जो कि आपने मेरे पहले वीडियो में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है अपना फेस को वॉश करना फेस वॉश से। आज के वीडियो के लिए मैं प्लम का फेस वॉश यूज करूंगी। यह है प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश और इससे जो आपके पोर्स हैं वो आपके मिनिमाइज होंगे। मैं ये फेस वॉश और जो भी ये पूरा प्रोसीजर है पिछले 3 हफ्ता से रोज के रोज मैं ये खुद करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ये वीडियो बनाने के पहले मैं खुद अपने ऊपर ये ट्राई करूँ और बाद में ही आपको बता सकूँ कि कैसी है ये सारी चीजें। तो ये जो फेस वॉश है इसमें आप देखोगे अगर ध्यान से तो छोटे छोटे हरे बीज हैं। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन टी के कुछ पार्टिकल्स इस फेस वॉश में मौजूद है, जिससे कि आपका बहुत हल्का सा स्क्रब भी हो जाएगा। तो उसके चलते आपको रोज अपना फेस स्क्रब करने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये मैं ज्यादातर वॉशरूम में करती हूँ, बट मुझे वीडियो बनाना था जिसके वजह से मैं आज आपके सामने कर रही हूँ। थोड़ी देर इसे मसाज करने के बाद मैं इसको पानी से वॉश कर लूंगी। फेस वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्क्रब लगाना। आज मैं गुड वाइब्स का ग्रीन टी का ब्लेमिश कंट्रोल स्क्रब लगाऊंगी। जो स्क्रब होता है वो आप वीक में दो बार ट्राई करिए कि करने का, जिससे कि क्या होगा आपके जो नोज के साइड में है, नोज के ऊपर, चिन पे या कहीं पे भी अगर आपके डेड स्किन है तो वो आपके रिमूव हो जाए। कुछ देर इसे अच्छे से मसाज करने के बाद आप अपना मुंह पानी से धो लेंगे। मुंह धोने के बाद मैं ज्यादातर अपना फेस शेव कर लेती हूँ, बट आज क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी शेव किया हुआ है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी। अगर आप मुझे आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे अपना फेस शेव करती हूँ तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके वहां पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो होगा फेस मास्क लगाना। वो मैं प्लम का फेस मास्क लगाऊंगी। ये फेस मास्क आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने
दो या तीन बार ही ट्राई किया है, बट मुझे मेरे स्किन का इतना ऑयल कंट्रोल इसने किया है कि मुझे मुझे खुद अपने में बहुत ज्यादा फर्क लगा है। ये लगाने के कुछ समय बाद तक हमें टिंगलिंग या थोड़ी सी जलने की सेंसेशन होती है, बट ये सेफ है आपके स्किन के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी स्किन को कुछ हानि कर रहा है या कुछ भी ऐसा टाइप का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये मास्क आपको 10 से 15 मिनट तक रखना है या फिर जब तक सूख नहीं जाता है। सूख जाने के बाद आपको इसको गुनगुने पानी से अपना मुंह धो लें। मुंह धोने के बाद हम अपने चेहरे पे टोनर लगाएंगे। आज मैं एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर लगाऊंगी। ये स्प्रे बॉटल में आता है और आपको अपने मुंह पे ऐसे स्प्रे करना रहता है। इसकी सुगंध बहुत अत्यंत अच्छी। टोनर लगाने से क्या होता है, जो आपके पोर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। बंद तो कभी भी नहीं होते हैं, बट हाँ वो साइज में छोटे हो जाते हैं। स्किन को टोन कर देने के बाद हम लोग शीट मास्क लगाएंगे। शीट मास्क में काफी ज्यादा सीरम होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो आपको इंस्टेंटली या फिर बहुत संग संग ही आपको निखार देता है। आज मैं गार्नियर नेचुरल्स का ही शीट मास्क लगाऊंगी। शीट मास्क आप अपने अपने मुंह पे 15 से 20 मिनट से ज्यादा मत रखिएगा, वरना वो क्या करेगा, आपके जो खुद का जो मॉइस्चर है वो खुद सोक अप कर लेता है। 20 मिनट बाद शीट मास्क आपको नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे मुख पे कितना ग्लो आ चुका है। और सबसे आखिरी का जो है वो हम लोग प्लम का ही। इस वीडियो में मैंने काफी सारे प्लम के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बट मेरा विश्वास करिए प्लम के जो ग्रीन टी रेंज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने इसका टोनर जो है वो पहले यूज किया हुआ था, वो अल्कोहल फ्री टोनर है। वो सच में बहुत ही अच्छा टोनर है। मेरे पास काफी अभी टोनर्स पड़े हुए हैं, उनके बाद मैं अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं वो जरूर वापस से ही खरीदूंगी। तो ये जो है ग्रीन टी का नाइट जेल है, ये कुछ इस प्रकार सा दिखता है। बहुत सॉफ्ट है इसका टेक्सचर, आप खुद ही देख सकते हैं। आप इस पे एक चमक देख सक रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसको मैं थोड़ा सा लेके अपने हाथों में रब करके अपने फेस पे इसको ऐसे करके मैं रब कर देती हूँ। हो गया, अब हमारा अब आखिरी में हम लोग अपने लिप्स का कुछ केयर कर लेंगे। उसके लिए मैं नायका का ये लिप बाम लगाती हूँ। ये ग्रीन टी का नहीं है, बट ये डेफिनेटली ग्रीन एप्पल का है। मुख पूरा हो गया है, अब जो सबसे अंतिम है वो है द बॉडी शॉप का ग्रीन टी का बॉडी लोशन। ये थोड़ा सा मैं लेके अपने हाथों पे और पैरों पे लगा देती हूँ रोज रात को सोने के बाद, और सुबह मेरी त्वचा इतनी ज्यादा मुलायम होती है।
मैं तो दिवाली के लिए रेडी हो गई हूँ, आप लोग रेडी हो रहे हैं ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप कभी भी ये ट्राई करें घर पे, तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए मैं आप सब से अलविदा लेती हूँ और मैं आप सब से अत्यंत प्रेम करती हूँ। बाय बाय।